लीजिए हम कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं जितने लोग यहां बैठे उनका परिचय करा दूं। क्रम है, ये कॉर्नर में बैठे हुए हैं श्री अश्विन पांडे, अश्विन उम्मीद, अश्विनी उम्मीद के पहले ये अभी अभी जो आए हैं, रोगी की शोभा नाड़ी से, जंगल की शोभा झाड़ी से, नारी की शोभा साड़ी से और नर की शोभा दाढ़ी से, श्री अश्विन पांडे। और तीसरे नंबर पर जो दूल्हे राजा की ड्रेस में है, संजय बंसल। और उसके बाद आपको रात को भयानक सपने आने वाले हैं, श्री बवंडर। और जो अच्छो अच्छों को पहना चुके हैं, जो खुद पहन के आए हैं, श्री यमदूत। अब कहां से यमदूत लगते हैं मुझे पता नहीं, अब ये बोलेंगे तब पता चलेगा कहां कहां से यम के दूत हैं। और उनके बाद में श्रीमती प्रमिला शर्मा जो हमारे बीच हैं। और खुशी की बात है कि अभी अभी हिंदी साहित्य अकादमी में सदस्य के रूप में आपका नामांकन हुआ है, हम सब बधाई देते हैं आपको। और उसके बाद जो बैठे हैं श्री बसंत आर्य, और मैं भी संचालक तो हूं आज के इस प्रोग्राम में, कवि के रूप में भी हूं, मेरा नाम है कुमार जैन। मेरे लिए भी आप तालियां बजा सकते हैं, कुमार जैन मुझे कहते हैं। और मेरा प्लाईवुड का बिजनेस है। अब आप यह मत समझ लेना कि मैं अगर ऐसा बोल रहा हूं तो अपना विज्ञापन कर रहा हूं, अगर विज्ञापन कर रहा होता तो यह भी बोलता कि मेरी फर्म का नाम विनायक प्लाईवुड है और वो कुर्ला ईस्ट में है। ताली बजते रहे, कंजूसी मत कीजिए। मृदुभाव के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रीतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लू तुझको फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले सबका स्वागत करती मेरी मधुशाला। ये मधुशाला है, आप रसिक हैं, सुहाना सफर है। मैं चाहता हूं कि मंच का पूरा स्वागत एक बार संस्था की तरफ से हो। मैं अलका जी से, रजनी जी से, पूजा जी से, कविता जी से, जो भी हैं हमारे माननीय सदस्य आए और जितने भी कवि हैं उनका अबाध गति से स्वागत करें, क्योंकि मैं ज्यादा औपचारिकता में विश्वास नहीं रखता हूं और ये कवि भी औपचारिकता में विश्वास नहीं रखते हैं। मैं मंच से निवेदन कर रहा हूं है अश्विनी पांडे, आप आ जाओ ना कविता जी, अश्विन उम्मीद, अच्छा हुआ कि आपने ट्रे तक का ही बोला, आगे कुछ नहीं बोला। संजय बंसल, श्री सुरेश बवंडर, श्री हरी शर्मा यमदूत, श्रीमती प्रमिला शर्मा, श्री बसंत आर्य, और इसके बाद कुमार जैन। चलिए साहब, अब बहुत हो गया फॉर्मेलिटी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अब समय ही बचा है, जितना बचा है उसका हम पूरा सदुपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों कहीं सफर पे जब हम जाते हैं तो रिजर्वेशन कराते हैं, ट्रेन तय करते हैं, फ्लाइट तय करते हैं, बस तय करते हैं, सूटकेस जमाते हैं, रास्ते की तैयारी करते हैं, गंतव्य जाने का सारा इंतजाम करने के बाद अपने सफर की शुरुआत करते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आज भी हम एक सफर पर चल रहे हैं, रिजर्वेशन भी हुआ है, तैयारियां भी हुई है। ट्रेन का नाम है अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच, शहर का नाम है वाशी, स्टेशन का नाम है विष्णुदास भावे सभागृह, पैसेंजर हैं आप सब लोग, रेल के डिब्बे हैं सब, और ड्राइवर हूं मैं। अब एक प्रश्न पैदा होता है कि टिकट चेकर कौन है?
अच्छी लगे मेरी बात तो आपकी तालियां। टिकट चेकर कौन है? टिकट चेकर है यहां पे होने वाली कविताएं, जो ये फैसला करेंगी कि आपकी बचती हुई तालियां उन कविताओं में कितना घुल मिल रही हैं। अलग अलग स्टेशन पर ये गाड़ी रुकेगी, कभी गम कभी खुशी, कभी मिलन कभी जुदाई, कभी आंसू कभी मुस्कान, कभी दुनिया कभी जिंदगी। न जाने कितने रंगों से हम निकलने वाले हैं, सिर्फ गुदगुदी नहीं होगी। आजकल ऐसा चल रहा है कि मंचों पर चुटकुलेबाजी जैसा कहा जाता ज्यादा होती है। बेशक चुटकुले भी जरूरी हैं, व्यंग भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ अगर सही कविता है, सही बात है, तो जिंदगी है। बच्चन जी ने कहा है, भावुकता अंगूर लता से, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला, कभी न कणभर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए, आप सभी हैं पीने वाले और ये मेरी मधुशाला। मैं सबसे पहले इस मंच के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि आपके भीतर एक बैठा हुआ चंचल बच्चा है, उसको बाहर ले आए। जिंदगी में तनाव सबके पास है, आपके पास भी, आपके पास भी, मेरे पास भी, लेकिन इस वक्त यहां आप बैठे हैं तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आपके भीतर एक चंचल बच्चा है जो हमेशा बाहर आने के लिए मचलता रहता है। तो एक शब्द, जहां हो वहीं रहो। आप यहां हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि पूरे समय आप पूरे शरीर के साथ, मन के साथ और आत्मा के साथ कविता से जुड़ेंगे तो आज की कविता जिंदा हो जाएगी। आहूजा जी चाह रहे हैं कि वो भी अपने हाथों से गिफ्ट लाएं, दे दें तो लीजिए। जैसा मैंने कहा था, आहूजा जी कविता के बहुत ही कद्रदान है, वे सभी कवियों के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं डायस पर आने के लिए, अपने अपने हाथों से इस फॉर्मेलिटी को पूरा करें। श्री आहूजा जी, अश्विनी पांडे के बाद मैं निवेदन कर रहा हूं, अश्विनी उम्मीद प्लीज कम, और जो उन्होंने अपने दिल से उपहार दिया है, सौगात दी है, उसको कबूल करें। श्री संजय बंसल, मिस्टर बवंडर, प्यारे यमदूत, यमदूत भी प्यारा हो सकता है, श्रीमती प्रमिला शर्मा, श्री बसंत आर्य, कुमार जैन, श्री राही जी और नादान जी, मैं उनसे निवेदन करूं डायस पर आने के लिए। ये आहूजा जी आपका भी अभिनंदन स्वागत करना चाहते हैं, प्लीज कम। नहीं ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल गलतफहमी के शिकार है आप, बहुत अच्छा होगा और आप भी जाते जाते बोलेंगे बहुत मजा आया, क्योंकि मजा किसी के बाप का गुलाम नहीं है, कभी भी आ सकता है, नहीं आवे तो रात भर नहीं आवे, आवे तो सुबह सुबह आ जावे। आपके लिए दोस्तों, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि का निर्माण किया, बड़े खुश हुए कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज बना दी, लेकिन कुछ देर देखने के बाद उन्हें लगा कि यह पर्वत, यह नदियां, यह सागर सब बना दिए, लेकिन कुछ अधूरापन है। उन्होंने सोचा इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए क्या करूं, तो उन्होंने एक मिट्टी का पुतला बना दिया। बड़े खुश हुए कि मैंने एक पुतला बना दिया, लेकिन फिर निराश हुए
कि इसमें हलन चलन नहीं है, जीवन नहीं है। उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए और इंसान का निर्माण कर दिया। जब उन्होंने देखा इस सृष्टि में इतनी खूबसूरती आ गई है, इंसान मैंने बना दिया है, सृष्टि का सबसे खूबसूरत प्राणी जो ये इस सृष्टि को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे सृष्टि आगे बढ़ी नफरत फैलने लगी, आतंक फैलने लगा, इंसान इंसान का दुश्मन होने लगा। ये देखकर वे बड़े दुखी हुए, बड़े द्रवित हुए और उनकी एक आंख से आंसू की एक बूंद इस धरती पर गिरी और उस आंसू से रचना हुई कवि और कलाकार की, जिसने अपनी मोहब्बत से, अपनी कविताओं से, अपनी कला से नफरत को मिटाया, मोहब्बत को बढ़ाया, इंसान को इंसान से जोड़ा और वापस ये दुनिया खुशहाली की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर ब्रह्मा जी की दूसरी आंख से आंसू की एक बूंद और गिरी, उससे आप जैसे अच्छे श्रोताओं की रचना हुई। ये जो तालियां आप बजाते, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि तालियां आप नहीं बजा रहे हैं, आपके भीतर बैठा उस कवि की समझ वाला कवि ताली बजा रहा है। आप हमसे भी बड़े कवि हैं। हर अच्छी बात पर आपकी तालियां बजती है तब आपके भीतर संवेदनाओं को स्पर्श करने वाला एक जो व्यक्ति बैठा है, एक कवि बैठा है, वो कवि ताली बजाता, मैं उसका सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। और ज्यादा वक्त न लेते हुए